यार देखो इस वाले में डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये वाला है ना, और यहाँ पर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिसकी हाइट एच, ठीक है, और ये पी पॉइंट हो गया। और ये देखो जैसे अब समझने की कोशिश करना, ये अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, और उसके टाइम पर जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो मैं इसको मतलब मैग्नीफाई कर दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये रियल में बहुत छोटा होगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट डेरिवेशन में आपको समझ में आएगा। देखो अर्थ सरफेस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये एच हाइट का एंटीना है, ठीक है। तो देखो अर्थ सरफेस कुछ कर्व टाइप की है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में अपना मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस डी है और ये आर है, तो जैसे अर्थ सरफेस ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एंटीना है, तो ऐसे स्ट्रेट वे में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे समझो इंट्रैक्ट हो गए ना। तो देखो इस डेरिवेशन को प्रूव करना होता है, मतलब यार इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो देखो पी टी इक्वल टू पी एस, पी टी इक्वल टू पी एस, ठीक है, क्योंकि जिधर वो सर जो अर्थ की सरफेस है वो है तो कुछ सर्कुलर टाइप में ही ना, ठीक है। तो देखो जिधर इतना भेजेगा उतना ही इधर भेजेगा, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू आर प्लस एच, ओ पी इक्वल टू आर प्लस एस, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कि रेडियस, ठीक है, हाइट मतलब डिस्टेंस कितना दूर तक भेज सकता है वो अपने सिग्नल को, और ये एच प्लस आर। तो देखो यार यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इसका मतलब हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये है, ठीक है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो इसमें एच प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एच प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सिंपली ओपन कर दिया है, आर से आर कैंसिल, ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर इधर, ठीक है, अब ये एच स्क्वायर टू एच आर में से हमने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एच टू एच आर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे तो वन आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे सिंपली आर बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर देखो क्या है, देखो हाइट ऑफ टावर, ठीक है। जैसे कि यार तुमने अपने मतलब जहाँ पर भी रहते हो कहीं पर ना कहीं पर टावर हो गई, तो देखो हाइट जो टावर की होती है ना वो मिनिमम कितनी होती होगी, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर अप्रोक्स, मतलब मान लो, ठीक है, होता इतना ही है, ज़्यादा भी नहीं होता इससे ज़्यादा। तो लेकिन हम अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, समझ रहे हो ना। देखो अगर हम 70 मीटर्स में 64 किलोमीटर्स को किलो मतलब 1000, ठीक है, इतने से डिवाइड कर दें और उसका भी स्क्वायर कर दें, तो वो डिजिट छोटी और भी ज़्यादा छोटी, मतलब जीरो के नियरली अप्रॉक्स पहुंच जाती है, मतलब काफ़ी जीरो के पास पास पहुंच रही है। तो देखो जीरो के पास पहुंच रही है इसका मतलब हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो टू एच आर अपॉन आर और ये वाली जीरो हो गई, तो बचा सिंपली कुछ नहीं, ये जीरो मान लिया तो इसकी मल्टीप्लाई होगी डायरेक्ट, तो आर से एक आर कैंसिल होगा और टू एच आर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक आर से एक आर कैंसिल और टू एच आर जो यहाँ पे एक आर बचा है और डी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक है। अब डी जो होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, बस यही है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस ऑफ ये वाला, ठीक है। देखो जैसे कि यार अब नेक्स्ट डेरिवेशन है इसमें, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस अप टू विच टीवी सिग्नल रिसीव फ्रॉम अ टीवी टावर ऑफ हाइट एच। मतलब देखो अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ सरफेस बहुत बड़ी है ना, मैंने पिछली बार तो मतलब मैग्नीफाई करके दिखा दिया था कि काफ़ी बड़ा एंटीनल मतलब जूम करके दिखा दिया था एक तरीके से समझो, तो लेकिन अर्थ सरफेस वो बहुत बड़ा होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइट कुछ ऐसे मतलब होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल, लेकिन जो टावर की प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्ट्रेट वे में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया करेगा वो, ठीक है। तो देखो एच टी बहुत सिंपल है, जैसे उसमें अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो अंडर रूट टू एच आर लगा दिया वो फाइंड कर लिया, ऐसे ही इसमें करना होगा, ठीक है। तो देखो डी टी जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, और इस सरफेस पर पॉइंट पर वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगे अर्थ में उसके बाद नहीं भेज पाएगा वो, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमको रिसीव करना है सिग्नल यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितना है हमको ये मेजर करना है, ठीक है। तो डी इक्वल टू डी टी प्लस डी आर है ना। तो देखो हमने आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा एच टी, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एच आर हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। और डी इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, और आर जो होगा डी आर वाला डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। देखो इसके बाद में हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे हमने पीछे बार किया। तो डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट टू एच टी आर है ना। तो देखो जैसे यार यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ऐसे राइट एंगल बनना है, ऐसे ही हमारा इधर बनना है, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, दोनों तरफ बन गए, तो दोनों तरफ को ये हमें डी टी और डी आर फाइंड कर लेंगे आराम से। डी टी की वैल्यू ये आएगी, डी आर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो और डी टोटल की वैल्यू क्या है डिस्टेंस की, ठीक है, ये डी टी प्लस डी आर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। बस इस डेरिवेशन में ये, पर यार इस बात का ध्यान रखना है दोनों डेरिवेशन सी बी एस सी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, समझ गए होगे बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यार नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड नेसेसिटी, ठीक है। मतलब हमको मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो अब समझने की कोशिश करना। पहले इसके डेफिनेशन मॉड्यूलेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज सुपरपोज्ड एट टू द हाई फ्रिक्वेंसी वेव, कैरियर वेव, ठीक है। तो देखो इसमें हम करते क्या है कि एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव जो होती है ना उसके साथ सुपरपोज करा सकते हैं। मतलब हम उसको मिक्स करा देते हैं मतलब हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, ठीक है। और इसी मतलब यही हो जाता है मॉड्यूलेशन कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेव को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिक्स करा देना मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। अब होता है देखो मतलब अगर तुम जैसे तीन चीज़ सुनते हो एम पीएम और एफएम, ठीक है। तो देखो एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीएम फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। मैं तुमको तीनों की डेफिनेशन एक साथ ही कवर करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक साथ याद हो जाएगी आपकी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड अकॉर्डिंग विद द इंफॉर्मेशन देन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब अगर कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी या कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड या कैरियर वेव का फेज, मतलब देखो अगर एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर कैरियर वेव का फेज मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। सीधी सीधी बात है, मतलब कैरियर वेव का हम क्या चीज़ अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करा रहे हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वही उसका मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड में उसका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का, फ्रिक्वेंसी 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 मॉड्यूलेशन में, ठीक है, फेज, ठीक है। और देखो यार ये एक मतलब एनसीईआरटी के पेज नंबर पे देख लेना, मेरे पे मतलब यार ठीक से डायग्राम नहीं बन पा रहे। तो देखो ये है 524 पेज नंबर, ठीक है, इस पे जाके देखना कि ये है कैरियर वेव, ठीक है। ये देखो अब हम ये एम्पलीट्यूड वेव का, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें साथ इस सिग्नल को मिक्स करा दें तो, ठीक है यार मैं ये थोड़ा छोटी बनाना चाह रहा नहीं था, ठीक है, यहीं पे मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ा करके दिया था, मतलब एक वेव है, ठीक है। तो देखो हम जब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो देखो एम मतलब जब जैसे जैसे एम्पलीट्यूड होगा ना, मैं देखो मैं बता रहा हूँ ठीक से मेरे में बनानी, देखो मैं उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मतलब समझने की कोशिश करना कि जिस टाइम पर अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, कि अगर एम्पलीट्यूड जिस टाइम पर कैरियर वेव का ये है उसी टाइम पर इसका है, मतलब मैसेज सिग्नल का जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा ना ऐसे ऐसे फिर उसका मतलब चेंज होगा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब कैरियर वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड अगर सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी हो जाएगा, तो देखो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड हो रहा है उसका उसी के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो मतलब जिस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड होगा उसी टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड होगा मैसेज सिग्नल का, ठीक है। और जैसे अब वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में रहेगा, मतलब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी सिग्नल की वेरी हो रही है
ऐसे वो कैरी वेव की फ्रिक्वेंसी को अगर वेरी करा रहा है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर देखो फेज मतलब जिसमें अगर वो नेगेटिव फेज में है तो सिग्नल, तो कैरियर वेव का फेज भी नेगेटिव होना होगा, ठीक है, और अगर पॉजिटिव फेज है तो उसका भी पॉजिटिव फेज हो जाएगा। तो ये समझ लेना फेज मॉड्यूलेशन है, मतलब जो से फेज में आएगा सिग्नल उसी में कैरियर वेव भी आ जाएगी। तो समझ लेना कि यही है फेज मॉड्यूलेशन, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी वेरी होगी ऐसे ऐसे अगर कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी मूव हो जाए तो समझ लेना फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। बस यार इम्पोर्टेंट है, याद करने की ट्राई करना। देखो अब दोस्तों टॉपिक आता है साइज ऑफ एंटीना, ठीक है। देखो अगर हमें बेटर कम्युनिकेशन करना है ना, ठीक है, तो हमें साइज एंटीना का कुछ मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही जितना चाहे उतना कर सकते हैं। देखो यार टावर की भी कोई लिमिट ही तो होगी कि मानो कि 70 मीटर बना दिया हमने, 50 मीटर्स का हाइट खड़े कर दिया, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब यार कुछ भी इकोनॉमिक कंडीशन आ सकती है, या मतलब ऐसे कि यार हवा चलने लगी तेज़ तो वो गिर सकता है, मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हम किसी लिमिट तक हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको देखो अब आता है साइज ऑफ एंटीना का फॉर्मूला, ये मिनिमम साइज, ठीक है, लैम्डा बाई 4, ठीक है। अब देखो अब होता है इसमें देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि हमको फ्रिक्वेंसी दे देंगे, ठीक है, कि इतनी फ्रिक्वेंसी है, अब बताओ हमको कैसे ट्रांसमिट किया जाए कि ये वहाँ तक मतलब कितना एंटीना का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फ्रिक्वेंसी से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे क्योंकि सी इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, ठीक है, लैम्डा फाइंड कर लिया, लैम्डा बाई 4 करके साइज निकालेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी जगह काम आता है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाई एन एंटीना, ठीक है, कि मतलब उस टावर से हम कितना पावर रेडिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एल बाई लैम्डा, ठीक है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ओवर म्यू, और देखो जब सी ओवर म्यू रखेंगे तो सी नीचे और म्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो पावर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी हो जाएगी, म्यू की, मतलब फ्रिक्वेंसी। मतलब इसका क्या इसके क्या लॉजिक समझ में आता है आपको कि पावर जो है हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम किसी फ्रिक्वेंसी कैरियर मतलब किसी वेव की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, समझने की कोशिश करना कि अगर हम किसी पावर को बढ़ाना चाहते हैं सिग्नल की को, तो हमको उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है, तो पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यही दो फायदे हुए, एक तो पावर कर दिया हमने इंक्रीज, और देखो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगा और हम फ्रिक्वेंसी चेंज अलग अलग टाइप की मतलब फ्रिक्वेंसी रिलीज कर देंगे तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये फ्रिक्वेंसी है कोई तो ये दोनों मिक्स कब होंगे, जब इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, मतलब तो जब हम फ्रिक्वेंसी को डिफर कर सकते हैं तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं, मिक्सिंग कम मतलब हम चैनल जो है वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, सिग्नल जो अपना लग जा रहा है वो अलग ही जाएगा, ठीक है, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता। तो ये दो इनके फायदे हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन के। बस यहाँ पे